ओपन नाउ जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस बेस्ट लैब प्लेग्राउंड म्यूजिक एंड डांस क्लासेस जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस नौबस्ता रोड इन फ्रंट ऑफ अभय क्लासेस रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली खबर की। चुनावी साल में मध्य प्रदेश को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 24 अप्रैल को ही विंध्यवासियों को प्रदेश की अगले वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे सकते हैं। हालांकि अब तक इसका कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये भी है कि पीएम मोदी वर्चुअल रूप से भी ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रीवा से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। पहले दिन करीब 350 छात्रों को वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करवाया जाएगा। लंबे समय से ट्रेन के संचालन का खाका तैयार किया जा रहा था। केंद्र सरकार की वंदे भारत ट्रेन की घोषणा के दौरान रीवा से दो वंदे भारत ट्रेन चलाने के रैक आवंटित की गई थी। प्रदेश में फिलहाल एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित है जो रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली जाती है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में जल्दी वृद्धि देखी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा रही है। 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के डीए में जल्दी से 4% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकारी तैयारी के मुताबिक मई महीने में महंगाई भत्ते की दर को 4% से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। इस पर शिवराज सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है जो जनवरी 2023 से लागू होगी, लेकिन प्रदेश में अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक मई महीने में सरकार द्वारा डीए में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। मई में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि से उनकी मांगों को लेकर सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। उसमें महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। हालांकि पेंशनर्स को फिलहाल तत्काल रूप से इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछली वृद्धि को लेकर ही अभी तक सहमति नहीं बनी है। सहमति बनने के बाद ही महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी, उसी के साथ में इसे लागू कर दिया जाएगा। 2018 तक की व्यवस्था लागू रही, ये कमलनाथ सरकार के आते ही अक्रम टूट गया और अब तक कर्मचारियों को महंगाई होते हुए वृद्धि के लिए इंतजार करना पड़ता है। एडमिशन ओपन नाउ जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस बेस्ट लैब प्लेग्राउंड म्यूजिक एंड डांस क्लासेस जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस नौबस्ता रोड इन फ्रंट ऑफ अभय क्लासेस।